जीवे मुर्शद का बल हजरत बाहू ते जिसने बूटी लाई हो। चढ़ वे चना तू कर रुशनाया ते तेरा जिक्र कर दे सारे हो। गलियां दे विच फिरन नमाने के जिवें लालां दे वनजारे हो। शालाम शाफर जग ते ना थीवे ते कख जिना थी पारे हो। साड़ी मार उड़ाना हजरत बाहू ते असिया पे उड़न हारे हो। शेर तुहानू सुनाइए बड़े समझदार हो पीर बारे ज्यादा समझदार ने पुत्र जम दे रखिए तेती भैन नू लाड ए लड़ावीए ना चोर यार दा कदे ना वसा करिए ते जुवे बाज नू कोल बठावीए ना ते पाई हुण ते वैर व्याज लईए एवें सुतियां कलां ए जगावीए आप गरीब कंगाल होइए भगवान जानाल ये बटावीए ना वारे साजे पीरे पुछे जावे खाली पिंजरे घरी मुट गावीए ना प्रेमी जगदी तुई जहान उते भूखे आदमी ने एकी गमान करना भोजा बाद ना लड़दिया बाद छाया भूखे आदमी ने की मुदान लड़ना जबान चंगी ते बूढ़े आदमी ने एकी कुरान पढ़ना पाया बाज मोहम्मद कंड नंगी कले पुत्र दा मां की मान करना ए जेड़ी मेहंदी रंग ना देवे उस मेहंदी दा की लाना कदर न होवे उठे फिर की लैने जाना। जी नाजरीन इस वक्त मैं सईद अली बावा आपसे मुखातिब हूँ और आज बड़ी खुशकिस्मती कि मेरे बहुत शहजादे भाई मेरे बहुत प्यारे बड़े मेरे बचपन फैलो कह लें मेरे नेबर भी हैं अली अवान साहब आप सब इनसे भी वाकफ़ हैं फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं डायरेक्टर भी हैं और बजाते खुद बहुत अच्छे आर्टिस्ट और सबसे बढ़कर बहुत अच्छे इंसान। और आपको पता है अगर मैं लाइव हूँ और मेरे साथ हैं तो मेरे बहुत प्यारे भाई हैं अली अवान साहब। अस्सलाम वालेकुम कैसे जी ठीक ठाक हैं सेहत भी ठीक है बाबा जी के साथ आज लोग हम इंजॉय कर रहे हैं जनाब देसी माहौल में। बाबा ने कहा जी कि हमने जो है ना किसी वी आई पी जगह पर नहीं जाना ना आपके ऑफिस में बैठना है किसी देसी माहौल में जाना है। बाबा जी वो आपको पता है डिसलाइक करते हैं ये वी आई पी जगह को ना तो बड़ा मज़ा आ रहा है यकीन जाने। अस्सलाम वालेकुम
आज आपने भी इंजॉय किया होगा हमारे साथ। एक ये लोग जो होते हैं ये ऐसे देसी होटल्स के ऊपर जाकर ये सॉन्ग सुनाते हैं, कलाम ज़्यादातर सुनाते हैं, नाते सुनाते हैं। तो आज आपको ये भी सुनवाई, ये लोकल फनकार होते हैं और देखें इनकी आवाज़ में कितनी मिठास और दर्द होता है, जैसे मेरी आंखों में दर्द है और आपकी समातें मेरी आवाज़ सुन के खुश होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, सलामत रहिएगा। तो फिर किसी दिन किसी और जगह किसी और फंक्शन किसी और इवेंट पे मैं आपके लिए लाइव आऊँगा। और मैं बेसिकली जैसे अली वाण साहब ने कहा देसी माहौल पसंद करता हूँ, तो देसी माहौल मिठे चौल। विश ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।